टीम के लिए एक वक्त पर सांसें रोक के रख दी थी भारतीय खेमे की। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आखिरकार बाजी मार ली है वहां पर, भर डाली है मोहम्मद शमी, 9.5 ओवर 40 रन 4 विकेट। आज तो मुझे लगता है मैन ऑफ द मैच के दावेदार हैं ये। बिल्कुल सही कहा, देखिए आज मैन ऑफ द मैच के दावेदार तो मुझे यहां से नजर आते हुए मोहम्मद शमी, हैट्रिक लगाई, सभी को चौकन्ना कर दिया, सभी को हैरान परेशान कर रख दिया, और इससे बेहतर कुछ नजर नहीं आता है। देखिए इतना बड़ा मुझे लगता है कि आज जो यहाँ से मोहम्मद शमी को ताज मिलेगा, जो एक ओहदा मिलेगा हैट्रिक लगाने का, 32 साल बाद कोई भारतीय खिलाड़ी आया है जिन्होंने हैट्रिक लगाया वर्ल्ड कप में, तो इससे बेहतर बात मुझे नहीं लगता कुछ और हो सकती है। बेहतर मैच, बेहतर क्रिकेट आज देखने को मिली। लगातार 4 मैचों में 3 ऐसे मैच है जिन्होंने एक तरफा मैच की जगह पर रोमांच बनाकर रखा। देखिए कई विशेषज्ञ कह रहे थे, क्रिकेट विशेषज्ञ कह रहे थे कि भारत के लिए आसान मैच होने वाला है, कि यहाँ भारत को इतनी मुश्किल नहीं होगी, परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं होगी, और एक बेहद आसान जीत का भारत को अनुमान लगाई जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से कमबैक किया अफगानिस्तान ने, जिस तरीके से बताया कि आप हल्के में तो किसी को ले नहीं सकते, और वैसे भी विश्व कप है, टॉप की 10 टीम यहाँ खेल रहे थे तो 10 में तो वो भी शुमार है। फिलहाल अफगानिस्तान बहुत बेहतर खेली, 130.5 जाने के बाद भी स्कोर 213 तक गया, हालांकि आखिरी 3 विकेट आई 3 गेंदों पर और खेल समाप्त हुआ अफगानिस्तान के लिए। शमी तारीफ के काबिल, और आज मुझे लगता है कि ये अव्वल दर्जे के मैन ऑफ मैच के, मुझे लगता है कि वहां से इनको प्रबल दावेदार माना जा रहा है। चलिए फिलहाल आपसे चाहेंगे अलविदा, इजाजत आज के लिए।